आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मियों की संख्या भी लगभग 3.5 लाख, सरकारी क्षेत्रों में भी लगभग 4 लाख, लाखों लोग लगभग 16 लाख। उत्तर प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपनी ही सरकार से 4 गुना आगे चल रहे हैं। तभी तो जहां सरकार 4 साल में 4 लाख रोजगार की बात करती है, तब 16 लाख नौकरी का आंकड़ा हाथों हाथ मंत्री जी ने गिनवा दिया। लगभग 16 लाख लोगों को सभी क्षेत्रों में मिलाकर के रोजगार देने में हमारी सरकार कामयाबी पाई है। 16 लाख के नंबर पर फिसलिएगा मत, क्योंकि लखनऊ में ही सरकारी रोजगार कार्यालय में दावा है 1 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 1,500 लोग परमानेंट नहीं बल्कि संविदा पर नौकरी पाए, माने 1.5 फीसदी। तो लखनऊ में कुल जमा 1.5 फीसदी लोगों को रोजगार देने वाले रोजगार कार्यालय की चमक दमक देख लीजिए। और फिर बेरोजगार के हाथ में झोले को देख समझ लीजिए, ये वही झोला है जिसमें वादे भर के आते हैं राजनीतिक दलों के, लेकिन सरकारी वादों के झोले से नौकरी नहीं निकलती, बस डिग्री और रोजगार दफ्तर का रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर युवा घूमता रह जाता है। जैसे घूमते मिले सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आलोक और शानू मिशन रोजगार का पोस्टर हाथ में लिए हुए। आलोक कुमार जो 4 साल से रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक बार सिर्फ 3 महीने की नौकरी ठेके पर पाए, परमानेंट की तलाश सरकारी रोजगार दफ्तर से आज भी है। रजिस्ट्रेशन कब कराया? 17 में हुआ था। अच्छा। उसके बाद में फिर उसको रेन्यू कराना रहता है। हाँ। तो अब सुनने में आया था कि अब नौकरी मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, तो उसके बाद हम लोग ने 21 में फिर से कराया है। अच्छा, 2017 में जब रजिस्ट्रेशन कराया? जी जी। 2017 से अभी तक कहाँ पे नौकरी मिली, कोई कितने दिनों के लिए मिली, कौन से विभाग में मिली? यही स्वास्थ्य विभाग में मिली थी, मलेरिया इकाई से। मतलब हाँ, क्या परमानेंट संविदा क्या थी? परमानेंट नहीं थे, ऐसे ही थी। हाँ। निकली हुई थी जो जगह उसी में किए थे। दिन काम किए? 3 महीना किए थे सर। 3 महीने की नौकरी? जी। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकारों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्थापित किया। उद्देश्य था कि उनकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से उनको सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी, लेकिन समय के साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गईं और आज तो हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से सरकारी नौकरियां बंद हो गई हैं, मिलती ही नहीं। यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं तो वो निजी कंपनियों में नौकरियों का होता है और वो भी संविदा पर, यानी 1 महीने 2 महीने 3 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने की नौकरी का इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होता है। इसीलिए शानू ने तो पिछले महीने रोजगार पाने की आस में रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन सरकारी वाली उम्मीद छोड़कर। तो सरकारी नौकरी की उम्मीद से आए हैं कि मतलब प्राइवेट नौकरी? हम तो प्राइवेट की उम्मीद से आए हैं, सरकारी नौकरी तो बहुत ही मुश्किल है। तो क्या सरकारी रोजगार दफ्तर अब सिर्फ ठेके पर चौथी श्रेणी की नौकरी दिलाने की इमारत रह गए हैं जो बड़े रोजगार के मौके नहीं दे पाते? यूपी में रोजगार नियोजन का महकमा संभालने वाले मंत्री जी कहते हैं, हमने अब तक सेवा योजन के माध्यम से 4,25,000 नौजवानों को रोजगार दिया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में 1,83,000 लोगों को रोजगार दी थी, उसके सापेक्ष हमने 4 साल में ही उसका 3 गुना से ज़्यादा 4,25,000 रोजगार देने में कामयाबी पाई है। तो क्या हालत वाकई उत्तर प्रदेश में अब सुधर गई है? जवाब अब आंकड़ों में ही तलाशते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग का आंकड़ा कहता है कि 22 मार्च 2021 तक 37,54,354 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 4,27,575 नौजवानों को निजी कंपनी में संविदा पर यानी कुछ महीनों की ठेके वाली नौकरी मिल पाई। इसका मतलब ये हुआ कि रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड 11 फीसदी युवा ही संविदा पर कहीं रोजगार पाए। इस तरह झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी रोजगार दफ्तर में नौकरी कम और हल्ला ज्यादा वाली हकीकत ही मिली, जहां बेरोजगारों के आंकड़ों से सरकारी फाइलें भरी हैं और उनके मुकाबले रोजगार के मौके गर्म तवे पर पानी के चंद छींटों की तरह पड़कर सूख जाते हैं।